सबसे बड़ा नरेंद्र भाई का विचार एक ही है, परम वैभव भारत, कि जब गोधरा का कांड हुआ उसके बाद नरेंद्र भाई को एकदम अलग थलग कर दिया गया। और 2004 में भी आडवाणी जी के पीएम वेटिंग में थे, लेकिन क्या हुआ, प्रचंड बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई। कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी, संघ पहले भी था, लेकिन आखिर कमियां क्या थी जो भारत के अंदर में राष्ट्रवाद हमेशा हारता था। आप नरेंद्र मोदी विचार मंच बड़ा है या बीजेपी बड़ी? वो राजनीति का काम करते हैं, हम राष्ट्रनीति का काम करते हैं। कि अभी तक प्रधानमंत्री की कुर्सी से देश का व्यक्ति पहचाना जाता था, और पहली बार ऐसा है कि हमारे भाई नरेंद्र भाई के द्वारा इस देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पहचानी जाती है। तो बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी ऐसे जो दिग्गज जो थे वो साइडलाइन हो गए, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? और आडवाणी जी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न राम मंदिर, वो आदरणीय नरेंद्र भाई पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं बने उससे पहले कि उनको वीजा भी नहीं मिल रहा था, तो वो उसके पीछे क्या? हमारे अघोषित स्टार प्रचारक राहुल बाबा श्रीनगर के अंदर में यात्रा की, युवाओं के अंदर में जगह जगह पर तिरंगे हाथ में थे। सारे विरोधी दल ये तो भूल जाएं कि 35 और 370 दोबारा लागू कर लेंगे, और बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भय भिन्न हो न प्रीत, इसलिए अजेय बनने के लिए हमें है किसी पे विजय नहीं प्राप्त करनी है, लेकिन हम पे कोई विजय प्राप्त न कर सके, ऐसे स्वप्न का भारत नरेंद्र भाई के स्वप्न का भारत बनने वाला है। मनसा है, देखा, नया भारत का मतलब है कि भारत अब मार नहीं खाएगा, बल्कि भारत दुश्मन की देश की धरती पे घुस के मारने वाला है। नया भारत है कि दुनिया के लोग चाहे जितने भी प्रतिबंध लगाने की धमकी देते हैं, लेकिन हम भारत के हित को लेकर के भारत की रणनीति को तय करते हैं। नया भारत का मतलब है कि दुनिया के विश्व प्रसिद्ध राजनेताओं के अंदर में भारत के प्रधानमंत्री का शामिल होना, ये भारत का गौरव बढ़ाता है। और नया भारत का मतलब है कि जब गांव की, ग्रामीण क्षेत्र की जनता से लेकर के कृषक और सारे लोग समृद्धशाली होंगे, उसको नया भारत हम कहने वाले। देखिए, नरेंद्र भाई का विचार है भारत माता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं, अपनी माता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं, और नदी माता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं, और जो हमको जीवन देने वाली गौ माता है उस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं। अर्थात मातृ देवो भव और राष्ट्र देवो भव के मंत्र के द्वारा हम चलते हैं। और सबसे बड़ा नरेंद्र भाई का विचार एक ही है, परम वैभव भारत, और परम वैभव भारत के लिए नरेंद्र मोदी विचार मंच अपना कार्य करता है। देखिए, नरेंद्र मोदी विचार मंच की स्थापना 22 जून 2004 को इसलिए हुई थी कि जब गोधरा का कांड हुआ उसके बाद नरेंद्र भाई को एकदम अलग थलग कर दिया गया, और पूरे देश के अंदर में सारे लोगों ने कहा कि साहब हम व्यक्ति निष्ठा नहीं बल्कि ध्येय निष्ठा पे कार्य करते हैं, और ध्येय निष्ठा के आधार पर किसी की बलि अगर हो जाए तो अच्छा नहीं था। आपको ज्वलंत उदाहरण है कि आपकी उमा भारती जी ने यहाँ पर त्यागपत्र दिया था, मध्य प्रदेश के अंदर में मदनलाल खुराना जी ने त्यागपत्र दिया था, और निर्दोष होने के बाद भी वो उनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन अपना मानना था कि नरेंद्र भाई ही भारत को परम वैभव तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए नरेंद्र भाई को नंबर एक इस्तीफा नहीं देना है, और नंबर दो जब कर नहीं तो डर नहीं, अपनी डंके की चोट पे भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखने के लिए पूरे देश के हमारे टेक्नोक्रेट जो नरेंद्र मोदी विचार मंच में 22 जून 2004 को जुड़े थे, आज उनके द्वारा पूरे देश के अंदर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर में नरेंद्र भाई का जो परचम लहरा रहा है, अपना मानना है नरेंद्र मोदी विचार मंच की सबसे बड़ी जीत। नरेंद्र मोदी विचार मंच के अंदर में पहला तो ये कि हमने किसी प्रकार के रिलेटेड नहीं लिए थे। सबसे पहले 22 जून 2004 को हमने IIT, IIM और IIMS के बच्चों को और LLB करने वाले बच्चे और तथा पत्रकार और रिटायर्ड सेना के और प्रशासनिक अधिकारियों को लिया था, क्योंकि हमें समाज का संगठन करना था, समाज में नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के संघ परिवार के हैं वो तो 2004 में भी आडवाणी जी के पीएम वेटिंग में थे, लेकिन क्या हुआ, प्रचंड बड़ी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई। जो राइजिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे चला था, और आपने भी देखा कि आज तक अटल बिहारी वाजपेयी जैसा किसी ने काम नहीं किया था, लेकिन क्या हुआ, परिणाम निकला कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, सरकार से बाहर हो गई, क्योंकि भारत के अंदर में काम से ज़्यादा कहीं न कहीं प्रेजेंटेशन के द्वारा वोट मिलता था, ऐसा सिद्ध हुआ। तो अपने लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी, संघ पहले भी था, लेकिन आखिर कमियां क्या थी जो भारत के अंदर में राष्ट्रवाद हमेशा हारता था। उसका कारण ये था कि उनकी प्लानिंग नहीं अच्छी थी, उनका प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, उनकी मार्केटिंग नहीं अच्छी थी, और उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं अच्छा था। अपने लोगों ने प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन की पद्धति को अपनाया, और उसका कारण है कि 2019 के अंदर में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आए, और 2024 के अंदर में सारे रिकॉर्ड मतों से हम जीतने वाले हैं पूरे देश के अंदर में। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। आप जानते हैं कि राजनीति के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति एमपी एमएलए सांसद धारा सभ्य संसद सभ्य बनने आता है, कारपोरेटर सरपंच बनने आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी विचार मंच का एक ही उद्देश्य है, मोदी पे ख़त्म और मोदी से शुरू। अर्थात नरेंद्र भाई जब तक देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक नरेंद्र मोदी विचार मंच सब काम करता रहेगा, उसके बाद सिर्फ सेवा के कार्य में जाने वाला है। इसलिए बड़ा और छोटे की बात ही नहीं, वो राजनीति का काम करते हैं, हम राष्ट्रनीति का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार भी हमने कहा था कि पूरी दुनिया की मीडिया उस समय बनारस के अंदर में इकट्ठा थी कि भारतीय जनता पार्टी तो हर बार चुनाव लड़ती है, लेकिन 26 मई 2014 को अगर इस देश का प्रधानमंत्री बना है तो नरेंद्र भाई बने हैं। और भारत में हमें गर्व होता है कि अभी तक प्रधानमंत्री की कुर्सी से देश का व्यक्ति पहचाना जाता था, और पहली बार ऐसा है कि हमारे भाई नरेंद्र भाई के द्वारा इस देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पहचानी जाती है। और हमें मानना है कि हम उनके भाई के नाते हमें गर्व होता है नरेंद्र भाई के ऊपर कि नरेंद्र भाई ने जो संकल्प लिया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और वो पूरा किया। ये जो बाहर के लोग होते हैं उनको नहीं मालूम होता कि एक हमारे यहाँ वैचारिक परंपरा होती है। हम भी संघ के रहे, हम भी भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री रह चुके, पूर्वोत्तर में प्रचारक रह चुके। हो सकता है जो दायित्व काल को हमें दारी बिछाने का दिया गया, आज हमें सिंहासन पे दिया जाए, कल को सिंहासन से हो सकता हमको किसी बाथरूम को साफ करने के लिए जाए, क्योंकि परिवार की चक्री परंपरा है। आज आदरणीय अडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी हमारे पिता तुल्य, बड़े भाई तुल्य हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री मोदी जी हो जाए और वो मिनिस्टर हो जाएं, तो ये शायद पारिवारिक प्रोटोकॉल नहीं होता है, क्योंकि दुनिया के अंदर में पिता कितना भी छोटे दायित्व पर हो, लेकिन बेटा कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन पिता से ऊपर नहीं हो सकता। ऐसा है, आदरणीय अडवाणी जी और अटल जी को हमसे ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा। उनको बड़ा गर्व है कि आज इस देश के अंदर में परम वैभव भारत 370 और अडवाणी जी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न राम मंदिर, वो इस देश के भारत माता के बेटे आदरणीय नरेंद्र भाई पूरा कर रहे हैं। और अडवाणी जी ने कभी जीवन के अंदर में अपने प्रधानमंत्री सांसद के लिए जीवन ही नहीं दिया, उन्होंने तो परम वैभव भारत के लिए अपना जीवन दिया है। इसलिए अडवाणी जी के जीते जी सारे स्वप्न उनके पूरे हो गए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अडवाणी जी से ज़्यादा इस दुनिया के अंदर में खुद नसीब ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने अपने जीते जी सारे स्वप्न को पूरा होते हुए देखा। आदरणीय, देखिए अडवाणी जी की बहुत आयु हो गई और अपने लोगों ने एक परंपरा बनाई कि 75 वर्ष के बाद में हम स्वयं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक है, प्रवास करने की क्षमता नहीं होती है, बॉडी के अंदर में हमारे स्टेम सेल्स से लेकर के ऑर्गन्स सारे शिथिल हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो परम पूजनीय सरसंघ चालक सुदर्शन जी भी सेवानिवृत्त हुए, बाला साहब जी देवरस भी सेवानिवृत्त हुए, रज्जू भैया जी जो सरसंघ चालक थे वो सेवानिवृत्त हुए। इसलिए एक आयु होती है, आयु के आधार पर सेवानिवृत्त होते हैं। और अपना मानना है कि बहुत बड़ा अभियान है और पहली बार ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में एक स्पाइनल रीढ़ की सरकार आई है। पहले आप देखते थे भारत का प्रधानमंत्री जाता था तीसरी चौथी सीट पे बैठता था और कोई मीडिया नहीं, आज जिस देश के अंदर में जाता उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष प्रोटोकॉल को तोड़ करके प्रधानमंत्री को लेने आता है। हमारे लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के गौरव का विषय है। देखिए उसका सबसे बड़ा लॉजिक था कि आपको मालूम होगा माननीय सांसद गणों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को और शासन को एक पत्र लिख के दिया था कि नरेंद्र भाई गुजरात के दंगों के नायक हैं, अगर आप उनको बुलाते हैं तो कहीं न कहीं वो वहाँ भी महिमा मंडित होने वाले हैं और पूरे देश के लोग उनके साथ हो जाएंगे। इसलिए मोदी के अश्वमेध यज्ञ को रोकने के लिए गुजरात से उनको अमेरिका नहीं आना है। लेकिन उस चीज़ से अच्छा हुआ, उसी दिन नरेंद्र भाई ने संकल्प किया था कि हम गुजरात को ही अमेरिका बना देंगे और गुजरात के अंदर ही अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के सारे उद्योगपतियों को आने पर मजबूर कर देंगे। और परिणाम यह निकला कि जिन राज्यों के अंदर में कोई इंडस्ट्री की एनओसी के लिए, एनवायरनमेंट एनओसी के लिए, एनएचआई की एनओसी के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे, हमारे यहाँ वन टाइम वन टेबल सेटलमेंट होता था। परिणाम यह निकला 6,000 से ऊपर इंडस्ट्री एक ही महीने में आ गई। देखिए आपने अभी हाल में देखा होगा हमारे अघोषित स्टार प्रचारक राहुल बाबा, उन्होंने भी बोला कि साहब हमने श्रीनगर के अंदर में यात्रा की, युवाओं के अंदर में जगह जगह पर तिरंगे हाथ में थे। तो शायद आपको ये नहीं मालूम है कि इस देश का प्रधानमंत्री जब तिरंगा फहराने जाता था तो सारी सेना की कमांड वहाँ सिक्योरिटी में लगाई जाती थी, और अगर हमारे युवराज अगर वहाँ पदयात्रा करते हैं और बच्चों के हाथ में तिरंगा है तो शायद आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद ये भारत के अंदर में बदलाव आया है। विरोधी दल ये तो भूल जाएं कि 35 और 370 दोबारा लागू कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ठाना है कि हम मोदी को आने नहीं देंगे तो हम लोगों ने ठाना मोदी को जाने नहीं देंगे। और अब इनको किसी भी स्थिति में वो स्वप्न भूलना पड़ेगा, क्योंकि देश का युवा और देश का व्यक्ति बदल गया है।
अब ना वो हिंदू के नाम पे बटना चाहता, ना मुसलमान के नाम पे बटना चाहता है, क्योंकि अभी ज्वलंत का उदाहरण आपने देख लिया। टर्की हमारा सबसे विरोधी देश था, लेकिन जब उसके ऊपर आपदा आई तो सबसे पहला दुनिया के अंदर में भारत ऐसा हुआ कि 24 घंटे के अंदर में उसने रेस्क्यू अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। वो इसलिए नहीं कोई देश है, या इसलिए नहीं कि मुसलमान है, इसलिए कि मानवता के कारण। और अपना मानना है कि नरेंद्र भाई मानवता युक्त भारत बनाना चाहते हैं, और कृणवंतो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुंबकम का जो मार्ग लेके चल रहे हैं, पूरी दुनिया भारत को कहीं न कहीं दिल में रखने वाली है, अपने को ऐसा मानना। देखिए, नरेंद्र भाई तो पूरी विश्व की मानवता जाति की रक्षा करते हैं और रक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन फर्क ये उठता है कि वो किस स्तर की हमसे मदद चाहते हैं। हमारे सेना के जवानों को मारते रहो, बॉर्डर पर घुसपैठ करते रहो, और हमसे अपेक्षा करते हो किसी प्रकार की हम करेंगे, तो पहले तो आपको भाई बनना पड़ेगा, और भाई के लिए दिल खोलने होंगे, और जब दिल खोलोगे तो राष्ट्रभक्ति आपके अंदर में, आप पाकिस्तान की चिंता करो, हम हिंदुस्तान की करते हैं, और दोनों अच्छे पड़ोसी बन जाओ, हम आपकी सहायता करने को तैयार रहे। देखिए, पाकिस्तान का जन्म ही दंगे और आतंकवाद से हुआ है, इसलिए जनता सुधरना चाहेगी तो वहाँ के नेता नहीं सुधरने देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनको लगता है कि जितना भारत को गाली दोगे पाकिस्तान के अंदर में, पाकिस्तानी जनता उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना देगी, क्योंकि जनता सुधरना चाहती है। लेकिन वहाँ के अंदर में राजनेताओं के अंदर में उनको लगता है कि हिंदुस्तान को, प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान को गाली दे दो और हमारी सरकार बन जाएगी। इसलिए जब तक उनकी नियति विकास की नहीं होगी, डिफेंस एंड डेवलपमेंट की नहीं होगी, तब तक उनका विकास भी नहीं होगा, और कभी भी हमारे मुल्क के रिश्ते आपस में सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आवाम सही हो, लेकिन अगर राजनेता ही नहीं सही तो क्या होगा। हमारा तो पहले दिन से 22 जून 2004 से एक लक्ष्य चल रहा, परम वैभव भारत, वो भी नरेंद्र भाई के स्वप्नों का भारत। आज हम फार्मास्यूटिकल में दुनिया के अंदर में हम अपना नाम ख्याति बढ़ा रहे हैं, उद्योग में फार्मास्यूटिकल के आधार पे हमने वेपन्स में भी, आज आपने देखा होगा कि तमाम हमारी ब्रह्मोस से लेकर के सारी वेपन्स जो आ गए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सप्लाई और बिक्री चालू हो गई है, और पेट्रोकेमिकल में हमने हाइड्रोजन के ऊपर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो कहीं न कहीं भारत दुनिया के अंदर में एक अभ्युदय का शिखर बनने वाला है। लेकिन हमारा एक और पूरी दुनिया को संदेश है कि पूरी दुनिया पे हम राज्य नहीं करना चाहते, पूरी दुनिया के हम बॉस नहीं बनना चाहते, बल्कि पूरी दुनिया के मानवता के मार्गदर्शक बनना है हमको, और लोगों के अंदर में प्यार की भावना हो, इस ताकत के साथ भारत को ताकतवर बनना है हर क्षेत्र में। और बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भयभीन हो न प्रीत, इसलिए अजेय बनने के लिए हमें है किसी पे विजय नहीं प्राप्त करनी है, लेकिन हम पे कोई विजय प्राप्त न कर सके, ऐसे स्वप्न का भारत, नरेंद्र भाई के स्वप्न का भारत बनने वाला है।